नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एंड द रेक्टेंगल बी सी डी। ए बी ई का पेरीमीटर एंड बी ई सी डी का पेरीमीटर, और फिर बताना है किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए, ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। ए बी हमारे पास कितना 5/2, बी ई कितना 2×3/4, प्लस ई ए कितना 3×3/5। तो ये हो गया हमारे पास 5/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सोल्व कर लेंगे, 4×2 = 8, 8+3 = 11/4, 5×3 = 15, 3×18/5। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे 2, 4 और 5 का, एलसीएम ऑफ 2, 4 और 5 का, 2, 4 और 5, 2 के टेबल में, 2×1 = 2, 2×2 = 4, फिर 2 के टेबल में, फिर 5 के टेबल में, 2×2 = 4, 4×5 = 20। 20 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 10 आ जाएगा, 10×5 = 50। 20×4 से डिवाइड कर लेंगे, 5×5 = 55। 20×5 से डिवाइड कर लेंगे, 4×4 = 18, 72। और 50, 55 और 72 को हम प्लस कर लेते, 50, 55 और 72, 5×2 = 7, 5×5 = 10 और 7, 177/20 सेंटीमीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 177×20 से, 28×160, ये अगर 8×17/20 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का, बी सी डी ई, बी सी डी ई, पेरीमीटर ऑफ बी सी डी ई, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी। अब देखो बी सी कितने, क्योंकि रेक्टेंगल है ना तो ऊपर ही साइड इक्वल होगी, ये 7/6 है तो ये भी 7/6 ही होगी। सी डी 2×3/4 है तो सी डी भी 2×3/4, डी ई 7/6, ई बी 2×3/4। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, 7/6, 4×2 = 8, 8+3 = 11/4, 7/6, 4×2 = 8+3 = 11/6, 6/4 का एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 6/4, 6/4, 6/4, 6/4, 2 के टेबल में, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×4 = 4, फिर 2 के टेबल में, 2×1 = 2, 1×1 = 2, फिर 3 के टेबल में, 2×2 = 4, 4×3 = 12, हम कर लेंगे 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2×2 = 7, 14, 12×4 से डिवाइड करेंगे, 3×3 = 11, 33, 12×6 से डिवाइड करेंगे, 2×2 = 7, 14, 12×4 से डिवाइड करेंगे, 3×3 = 11, 33, 33×14 को हम ऐड कर देते हैं, 4×3 = 7, 4×3 = 7, 7×7 = 14, 3×4 = 5, 6×3 = 9, 94/12। अब इनको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 12×8 = 84, 9 में से 8 गए 1, 8×10/12, 8×10/12। अब हमें पता कैसे चलेगा किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, दोनों के पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए बी ई इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बी सी डी ई, उसका आया था हमारे पास 177/20, उसका आया था 94/12। अब इनका 20×12 का एलसीएम ले लेते हैं, 2×10 = 12, 2×6 =
2 10 का 20, 2 6 का 12, 2 5 का 10, 2 3 का 6, 3 1 का 3 एंड 5 1 का 5, 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60। अब हमें बेस 60 बनाना है सभी का। 60 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 60, 177 को 3 से मल्टीप्लाई, 521। ऐसे इधर 94 बाय 12, इसको 5 से मल्टीप्लाई, 94 को भी 5 से, 54 का 20, 95 का 45, 470। तो इसका हमारे पास ज़्यादा हीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर, ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ सम का।